गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। दिस इज अजय एंड यू आर वॉचिंग अजय ब्लॉगर्स चैनल। अजय ब्लॉगर्स चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, ये चैनल का नाम मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया, लेकिन रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगेगा। चैनल का नाम रहेगा मार्केट मेजिंग मंत्रा, तो डोंट गेट कन्फ्यूज, ये वही चैनल रहेगा अजय ब्लॉगर वाला, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा मार्केट मेजिंग मंत्रा। तो आज की वीडियो में बात करने वाले कि नेचुरल गैस के लेवल्स क्या रहेंगे, नेचुरल गैस का पैटर्न क्या दिखा रहा है, टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या दिखा रहा है, स्ट्रैटेजी कौन कौन सी यूज करें, कौन कौन सी न्यूज है ये नेचुरल गैस से रिलेटेड, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, यहाँ पर किसी भी तरह की बाय साइड की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो या तो अपने आप से ट्रेड करें या सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करें, क्या आपके प्रॉफिट लॉस के लिए आपकी जिम्मेदारी मेरी बिल्कुल भी जिम्मेवारी नहीं है गाइस। ओके, चले गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सी न्यूज़ आई है, उसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस से रिलेटेड कौन कौन, देखो चाइना इज द स्टिल बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ ऑयल प्राइसेस, दैट वी ऑल नो, ठीक है ना। और कोई न्यूज़ आई है कि देखिए, देखते हैं यहाँ पे, देखिए नेचुरल गैस से रिलेटेड तो कुछ आई नहीं है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़, अमेरिकन्स आर स्ट्रगलिंग टू पे कार लोन्स, सीरियस कुछ भी कुछ भी छापते हैं सीरियसली, मतलब गाइस दिस इज यूरोप नेचुरल गैस इज फाइनली ओवर। गाइस किसी तरह के कोई भी न्यूज़ नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज़ भी नहीं है नेचुरल गैस से रिलेटेड। तो फिर आप लोग बोलेंगे कि भाई यार ये न्यूज़ नहीं है तो फिर ये इतना फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो गाइस वो फ्लक्चुएशन का वही सिंपल सा, देखिए यहाँ पे मैं आपको ग्लोबल समझा देता हूँ यहाँ पे कि क्या थी जो ग्लोबल न्यूज़ थी। आपको पता ही है हम इंटरनेशनल न्यूज़ से ही मतलब है हमारा, बाकी कोई से मतलब नहीं है। तो देखिए न्यूज़ मार्केट में वही थी जो प्राइस के बल ये थी, उसी के बाद से मार्केट में ये हाल हुआ था। और एक चीज़ काफ़ी ये भी थी कि गाइस ये जब अराउंड 600 के आसपास था तो वो एक ज़बरदस्ती का प्राइस था, यू नो 600 का जो प्राइस था वो दिख रहा था, वो एक ज़बरदस्ती का प्राइस था, क्योंकि वो प्राइस है ही नहीं है, वो ओवर वैल्यूड था, वो वैल्यूएशन इसकी है ही नहीं नेचुरल गैस की। वैल्यूएशन इज व्हाट एवर द प्राइस यू आर सीइंग राइट नाउ, अभी जो प्राइस आपको दिख रही है यही इसका वैल्यूएशन है एग्जैक्ट, ठीक है ना। तो काफ़ी लोग बोले सर इतना बड़ा डिस्काउंट आ गया सर, अब तो मजा आ गया सर, ये वो फलाना सर 400-500। अरे गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, वो जो वैल्यूएशन थी वो एक फेक वैल्यूएशन थी, वर्चुअल वैल्यूएशन थी, उस वो डिजर्व ही नहीं करती थी। वो रशिया यूक्रेन की वजह से ऊपर चली गई थी वैल्यूएशन, वो वापस से नीचे आना ही था, ठीक है ना। तो दैट वाज द रीजन दैट आई वाज गिविंग द एनालिसिस एंड यू हैव वुड हैव हर्ड माय जो प्रीवियस वीडियो एक महीने के पहले आप देख रहे होंगे कि 580 के जब था तब भी मैंने आप बोला था कि भाई ये तो 420 आ सकते हैं, क्योंकि देखो वहाँ पे जो टेक्निकल चार्ट सिग्नल्स है और जो दूसरी न्यूज़ वगैरह है, काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही थी। मैंने आपको अल्टरनेट एनर्जी का पूरा कंसेप्ट बताया, कौन कौन सी ग्रीन हाइड्रोजन गैसेज वगैरह ये, और काफ़ी सारे पैरामीटर्स थे और मेरी ट्रेडिंग स्टार्ट थी जिसके बलबूते पे मैंने 580 के बाद मुझे लगा कि यार 420 आ सकता है। गाइस गाइस यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मैं किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ओनली टेक्निकल का चार्ट जो बोल रहा है उसके ओपिनियंस, जो भी ओपिनियन आ रहे हैं वो शेयर आपसे कर रहा हूँ, मेरे पर्सनल ओपिनियन है गाइस, ठीक है ना। मैं कोई भी किसी भी तरह की यहाँ पे मैंने पोजिशन बना नहीं रखी है, पहले ही डिस्क्लेमर देता हूँ गाइस। ओके, तो गाइस अब यहाँ पे काफी लोग बात करें कि सर जब आप बोल रहे कि सर वैल्यूएशन यही है तो फिर काहे आप बुलिश हो रहे हो, क्या हो रहे हो। तो देखो बुलिश होने का एक तरीका होता है गाइस, काफी सारी चीजें होती है। जब भी मैं बुलिश बोलता हूँ तो अक्सर लोग सोचते हैं कि यार कैंडलस्टिक में बुलिश पैटर्न बना रहा तो बुलिश होगा, बेरिश पैटर्न होगा तो बेरिश होगा। इट्स नॉट ऑल अबाउट द कैंडलस्टिक गाइस, कैंडलस्टिक के अलावा भी बहुत सारी दुनिया होती है राइट। सिर्फ कैंडलस्टिक से ही पूरा मार्केट ड्रिवन नहीं होता, मैंने पहले ही बोला है कि मार्केट की वजह से कैंडलस्टिक बनता है, कैंडलस्टिक की वजह से मार्केट नहीं बनता, अंडरस्टैंड दिस वन। ओके, न्यूज आती है उसकी वजह से प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है, फिर पैटर्न बनता है, ये नहीं कि पैटर्न की वजह से न्यूज जनरेट होती है, आप समझिए इस चीज को राइट। सो टेक्निकल चार्ट इज ऑल अबाउट लाइक अ टूल, एक तरह का टूल है जो जिससे हम मेजर करते हैं कि ओके अब ये यहाँ पे जा सकता है, लेकिन वो एक सिर्फ एक छोटा पार्ट है मेजर करने का। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक। सो गाइस कैंडल स्टिक के अलावा बहुत सारी चीजें होती है, जिसमें बताता हूँ ऑप्शन एक्सपायरी, ऑप्शन एक्सपायरी में कॉल की राइटिंग कितनी है, पुट राइटिंग कितनी है, ओपन इंडेक्स कितनी है, ऑप्शन एक्सपायरी का गेम क्या है, आपको बिहेवियर ड्रिवन फ्रेमवर्क क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बिहेवियर ड्रिवन फ्रेमवर्क में क्या करते हैं, हम बिहेवियर कैसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई चीज़ होती है ना तो उसका बिहेवियर भी मैटर करता है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती है, सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक नहीं, कैंडलस्टिक होता है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, ऑप्शन एक्सपायरी का गेम आ जाता है राइट, और कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह मार्केट को ड्रिवन करने लगती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो मुझे लगता है कि जिसपे एक ट्रेडर का फोकस रहता ही नहीं है। तो उस हिसाब से अभी देखिए वैल्यूएशन अगर आप मुझसे पूछे ना तो वैल्यूएशन इज ऑलमोस्ट एट पार, आई कैन सी लाइक 350, सो बट अराउंड 320 टू 350 इज द वैल्यूएशन एज पर यू नो, आई थिंक दैट विल बी अ प्रॉपर वैल्यूएशन एज ऑफ नाउ, बिकॉज कंसिडरिंग कि रशिया जो यूक्रेन है वो अभी भी एंड नहीं हुआ है एंड वी आर
assuming that maybe in the summer seasons, the coming summer seasons, you can see that कि ये war end हो जाए, ठीक है ना guys? Definitely, right? नहीं होगा तो भी नीचे होगा, लेकिन अभी भी देखो वो अभी है तो सही, right? तो मुझे लगता है कि देखो इसी को consider रख के मैं बोल रहा था कि Feb expiry में हो सकता है. मैं आपको यहाँ पे expiry बता देता हूँ. तो काफी लोग questions ये करेंगे guys कि यार आप 5 year का chart देख लीजिए यार, आप अभी तो ऑल टाइम लो पे आ रहा है, आप कैसे बोल सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा. तो गाइज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि मार्केट नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, तो आपका बीरिश पैटर्न होगा. तो इसका मतलब ये कि देखो जब तक मार्केट नीचे है तब तक बीरिश पैटर्न ही है, अभी भी बीरिश पैटर्न है, तो आपको लगता है कि किसी भी लेवल पे ये ऊपर आएगा ही नहीं, कोई ऐसा एक पॉइंट आएगा ही नहीं जहाँ पे ये ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट तो अभी भी बीरिश है, तो ऐसा तो पॉइंट आना ही नहीं चाहिए कि जहां से ऊपर जाए, तो मतलब लाइफ लॉन्ग ही नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होता ना. अभी बीरिश फुल बीरिश है, यहाँ से कोई बुलिश नहीं हो सकता है, लेकिन कभी तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आएगा इस पॉइंट पे कि ऊपर जाएगा, ठीक है. अब वो कैसे आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, वो मार्केट में आपको कोई टूल ही नहीं उसके पास. देखो हमारे पास उन चीजों के टूल, हम वो चीजों को देख सकते हैं जिनके जिनकी हमारी आंखें देख सकती है, ठीक है ना. हम वो यूनिवर्स देख सकते हैं जहां से लाइट आ रही होती है, राइट. जहां पे लाइट पड़ेगी वो ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा, लेकिन जहां पे लाइट नहीं पड़ेगी वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखेगा. इट डजंट मैटर कि वो है नहीं, अभी हवा को हम फीलिंग कर सकते हैं, एयर को, राइट, एयर को फील कर सकते हैं, बट देख नहीं सकते. इट डजंट मैटर कि वो नहीं है, हमको पता है बिकॉज वी कैन फील इट, राइट, ठीक है. तो वही वाली चीज होती है गाइस, यहाँ पे काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो बिहेवियर ड्रिवन होती है, और वो कहाँ से आता है, वो आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से आता है, आपको ऑब्जर्वेशन पे आता है, जितना आप ऑब्जर्व करते हैं चीजों को उससे आता है, ठीक है ना. तो अब मैं यहाँ पे जो वैल्यूएशन मुझे दिख रहा है, देखो फैब एक्सपायरी का मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना. काफी नीचे आ गया है, हालांकि मेरे लिए नीचे नहीं आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे नहीं, ये एक प्रॉपर वैल्यूएशन पे आया है वापस से, पहले ओवर वैल्यूड था, सो अब ये प्रॉपर वैल्यूएशन पे आया. देखो जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था, अभी देखिए शायद कब स्टार्ट हुआ था, अभी चल रहा है 2023, तो मुझे लगता है कि 2021 दिसंबर यानी 2022 जनवरी मान लेते हैं, तो 2022 में देखिए ये यहाँ पे था, आप खुद देखिए कहाँ पे था. उसके बाद से ये देखो ये कहाँ गया है, राइट. सो इट वॉज द रशिया यूक्रेन वॉर एंड वापस बैक टू हियर, राइट. सो दैट इज अ प्रॉपर वैल्यूएशन. प्रॉपर वैल्यूएशन हो सकता है कि और भी नीचे हो यहाँ पे, लेकिन कंसीडरिंग द फैक्ट, क्योंकि जब इतना ज्यादा करेक्शन हो जाता है, सो दैट मेक सेंस कि ये ऊपर जा सकता है. तो फैब एक्सपायरी में आई कैन बी बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई टेक्निकल चार्ट एनालिसिस ऑन माई न्यू सेंटिमेंट्स, एज सच की न्यू सेंटिमेंट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, प्राइस कैप हो चुकी है, अकाउंटेड सब कुछ अकाउंटेड हो चुका है. तो मुझे लगता है कि यहाँ से शायद 320 और 300 प्लस इज क्वाइट अचीवेबल इन फेब एक्सपायरी. बट ऑलवेज रिमेंबर गाइज, आप कोई भी अपना एनालिसिस करते हैं या कोई भी आप टेक्निकल चार्ट या कुछ भी देखते हैं, तो कंसिडर कि हमेशा आप एक रॉन्ग लेवल ले सकते हैं एनी टाइम. एनी बडी कैन यू नो, कोई भी इस कैटेगरी में आ सकता है, मैं भी आ सकता हूँ, आप भी आ सकते हैं. आप एनालिसिस करते हैं और आपका एनालिसिस गलत होता है, या तो गलत होता है या सही होता है, राइट, ठीक है ना. ऐसा तो होता नहीं कि ना गलत ना सही, गलत या सही, तो जब सही होता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हमेशा ये कंसिडर करना चाहिए. यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. मैं ये नहीं बोलूँ कि आपको कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल हूँ मैं कि मेरे को 300 प्लस दिखेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंट के साथ साथ मुझे एक चीज़ एक और दूसरा पहलू ये सोचना पड़ता है कि यार चलो कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, अगर नहीं हुआ मान लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ यही होता है मार्केट में, जो लोग सोचते वो होता कहाँ है, राइट. नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मेरे पास क्या स्ट्रैटेजी रहेगी. वो सारी स्ट्रैटेजी आपको बनानी है कि ये मैं स्ट्रैटेजी रखूंगा, अगर 300 नहीं आया, अगर मान 250 चला गया, तो मुझे मेरे पास ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए. एडवांस में प्रिपेयर इट फॉर एवरीथिंग आई डू, यू नो, बिकॉज मुझे पता है मार्केट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है ना. ये कोई पंखा नहीं है कि जिसकी गारंटी को लेता है, राइट. इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल, बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है मार्केट. तो मार्केट जब अनप्रेडिक्टेबल रहता है, देन यू हैव टू यू नो मेक योर स्ट्रैटेजीज ऑल्सो. अनटिलेस यू वॉन्ट मेक अ स्ट्रैटेजीज, देन यू विल बी इन द ट्रबल, राइट. आप बहुत बड़ी ट्रबल में आ जाएंगे. और अक्सर यही होता है, लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, ये होते हैं, लेकिन बाद में होता है उनके साथ यही है. तो वो कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी और उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी. काफ़ी सारी मार्केट में स्ट्रैटेजी है, मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनी है जिसके बारे में डिटेल्स में बाद में बात करेंगे, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है. तो यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछे ना, तो अब मैं एनालिसिस करता हूँ मेरा जो चार्ट है. गाइस मैं पहले बताता हूँ, मैं यहाँ बार बार ही बताया, डोंट टेक एज अ रिकमेंडेशन, से रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने रिसर्च बनिए, सिर्फ एजुकेशन चैनल है. मैं वापस से रिपीट करता हूँ, बार बार ही रिपीट करता हूँ गाइस, मेक श्योर गाइस हमेशा ध्यान से इन्वेस्ट करें, रिसर्च करें, नॉलेज लें, एजुकेशन लें, स्किल लें, उसी के बाद ट्रेड करें गाइस. बिना उसके ट्रेड करना अपने आप में एक वॉयलेशन ऑफ रूल्स है गाइस. आप उसमें फिर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका माइंडसेट बताता है कि यू आर नॉट मेड फॉर द मार्केट, बिकॉज यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन, सिर्फ हाई क्वालिटी एजुकेशन से काम नहीं चलता गाइस. यू नो आप पर्सनल लाइफ में भी अपना देखते हैं, चलिए बाद में करेंगे, पहले मैं चार्ट बता देता हूँ आपको यहाँ पे.
ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अब क्लियर एविडेंट है कि जो एक पॉइंट ऐसा आ सकता है जहां पे ये रिवर्स हो सकता है, विच इज मुझे लगता है कि करंटली राइट नाउ इट्स ऑलरेडी ट्रिगर्ड। ओके, जैसा कि मैंने बताया है आपको पहले भी सुबह सुबह, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एक फिबोनाची सीरीज अगर आप 5 ईयर की जनरेट करते हो, क्योंकि 1 ईयर में तो कुछ बता ही नहीं रहा, एक एक पॉइंट लीजिए, ठीक है ना, ये पॉइंट लीजिए आप, ठीक है ना, अब देखिए ये कितना दूर है ये पॉइंट, राइट, ठीक है ना, बहुत सारे दूर दूर पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगला जो रेजिस्टेंस है वो बनेगा, जो अपकमिंग रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ से जैसे बुलिश मूवमेंट होता है तो मुझे लगता है कि अगला रेजिस्टेंस सीधा सीधा आपको 303 का दिखेगा, 303 का रेजिस्टेंस दिखेगा। अगर 303 भी ब्रीच कर जाता है तो मुझे लगता है कि फिर आपको हो सकता है 350 के लेवल्स भी यहाँ पे फेयर एक्सपायरी में आते हुए मिले, ऐसा ऐसा टेक्निकल चार्ट सिग्नल जनरेट कर रहा है। नाउ लेट्स थिंक इन वर्स साइड, आई मीन इन डाउन साइड, राइट। सो व्हाट हैपन, राइट, अगर ये 280 के ऊपर बुलिश पैटर्न ना होके एक रिवर्स पैटर्न हो जाए, तो रिवर्स पैटर्न के लिए वापस से क्या करना पड़ेगा, इसको कौन से लेवल्स पे आने पड़ेंगे? देखिए डेफिनेटली 250 के नीचे, राइट, वापस से 250 के नीचे, अगर ये, वैसे तो देखिए यहाँ वापस से अगर ये 270 के नीचे भी जाता है तब भी एक रिवर्सल बेरिश पैटर्न हो जाएगा, लेकिन जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा गाइस 250 का। अगर 250 ब्रीच करता है और फाइनल 245, 250 एंड 245 ये अगर ब्रीच करते हैं तो हो सकता है कि आपको 210, 215 के लेवल्स भी आते हुए दिखे। सो ऑन एंड ऑल दिस सी, हमारे पास जब रिजल्ट रहता है गाइस, ठीक है, जब आपके पास रिजल्ट नहीं रहता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, जैसे अगर मान लो आपने एग्जाम दिया, आपको ये नहीं पता कि आप पास है या फेल है, देन यू कांट मेक एनी स्ट्रैटेजी बिकॉज यू आर नॉट क्लियर वेदर यू पास और यू फेल, राइट, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास ये आउटपुट है, अगर आपके पास ये अजम्पशंस हैं कि यार मैं पेपर दे के आया हूँ, मैं तो आईएएस के एग्जाम में पास नहीं होऊंगा, मुझे लग रहा है कि मैं श्योर हूँ पास नहीं हो रहा, मैंने ये क्वेश्चन गलत किए, देन यू कैन मेक एडवांस स्ट्रैटेजी रादर देन वेटिंग फॉर द रिजल्ट, यू कैन डू समथिंग एल्स, राइट, विच कैन कवर थिंग्स, राइट। तो वो वाली चीज है गाइस, जब आपको रिजल्ट, अगर आप प्रेडिक्टेबल है कि आपका रिजल्ट पता चल रहा है कि यार ये नहीं होने वाला है, यू हैव टू मेक डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी, बैठने की बजाय, यू नो, अगर चुपचाप बैठे रहेंगे और सिर्फ स्ट्रेस में आ जाएंगे, वो यार ये नहीं हुआ, तो यकीन मानेगा गाइस जिंदगी भर आपको स्ट्रेस रहेगा। देखो मार्केट में आपको पता है ना ये चीज होनी है ना, तो गाइस मैंने आपको देखो नीचे की साइड बता देता हूँ, 270 के नीचे जाता तो बेरिश पैटर्न बनेगा, हालांकि 273.5 का है, लेकिन वॉलेटिलिटी को मद्देनजर रखते हुए 270 के नीचे अगर जाता है तो मुझे लगता है वापस एक बेरिश पैटर्न यहाँ पे आपको आते हुए दिखेगा। जाते जाते गाइस हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी अनऑथेंटिक न्यूज मार्केट में या कहीं पर भी फ्लोट हो रही हो, पहले उसको जांचे परखें, उसी के बाद उसको आगे फॉरवर्ड करें। विद दिस नाइस फुल थॉट, दिस इज अजय एंड साइनिंग ऑफ।